तो चलिए हम स्टार्ट करें। देखो परमाणु, सबसे पहले अगर हम किसी पदार्थ की संरचना को डिस्कस करना शुरू करें तो बेसिकली जैसा कि हमने जॉन डाल्टन के एटॉमिक कंसेप्ट में सीखा, जॉन डाल्टन जिन्होंने सबसे पहले परमाणु संकल्पना दी और परमाणु शब्द इंट्रोड्यूस किया, तो जॉन डाल्टन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु कहा। अब ये परमाणु होता क्या है, तो अगर हम देखें परमाणु हिंदी में देखें तो परम अणु यानी अणु से भी जो छोटा पार्ट है उसको अपन परमाणु कहेंगे, और अगर ग्रीक लेटर में हम देखें तो ग्रीक लेटर में परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला शब्द है ए और दूसरा शब्द है टोमियो, जहां टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल या विभाजनशील और ए का मतलब है ए, यानी किसी भी दिए गए पदार्थ का वह पार्टिकल जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो आगे विभाजनशील नहीं है पदार्थ का वह पार्टिकल हमारा परमाणु कहलाएगा। तो जॉन डाल्टन की संकल्पना में हमने कल परमाणु मॉडल सीखा था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थ के अगर परमाणु हैं तो वो अलग अलग पदार्थ के परमाणु क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जहां पर एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के बीच में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो एलिमेंट ए और बी के परमाणु अपनी रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, अपना पुनर्विन्यास कर लेते हैं। किसी भी पदार्थ का परमाणु उसका सबसे छोटा मूलभूत पार्टिकल होता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इस परमाणु की अगर हम संरचना देखें तो बेसिकली परमाणु दो पार्ट्स में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। परमाणु यह बना हुआ होता है नाभिक का, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। फिर से अगर हम नाभिक को डिवाइड करें तो नाभिक यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम एक परमाणु का फंडामेंटल स्ट्रक्चर अज्यूम करें तो हमें लगेगा कि परमाणु जिसके केंद्र में यहाँ पर नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कुछ ऋणावेशित पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि कल हमने देखा था, प्रोटॉन ये धनावेशित पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन ये उदासीन पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित पार्टिकल होते हैं, जहां प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कुछ अधिक होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलकर के परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु की भार के रूप में डिनोट किए जाते हैं। चलिए, तो ये जो परमाणुओं के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि इनकी खोज किस प्रकार की गई थी। तो डाल्टन के अनुसार अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा अविभाज्य कण हमारा परमाणु कहलाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, जैसा कि नील्स बोर ने कहा था, लेकिन आगे जब हम अपने परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का पथ निश्चित नहीं होता, यह एक अनसर्टेन पाथ पर सर्कुलेट होते रहते हैं, यानी किसी सर्टेन पाथ पर ये सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं। तो परमाणु में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी खोज हुई, एक बार हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लें। देखो, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो सबसे पहले सर जे.जे. थॉम्सन द्वारा की गई। जे.जे. थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अपन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण नलिका प्रयोग कहते हैं। उस कैथोड किरण नलिका प्रयोग के द्वारा जे.जे. थॉम्सन ने अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। प्रयोग कौन सा था, कैथोड किरण नलिका प्रयोग था जिसके द्वारा इन्होंने खोज की। अब ये कैथोड किरण नलिका प्रयोग होता क्या है, चेक करें। देखो, इसमें कांच की बनी हुई एक नलिका ले लेते हैं जिसको अपन डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली कहते हैं। कांच की बनी हुई एक नलिका हमने ली जिसको हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली। इस कांच की बनी हुई सील पैक या जो बंद नलिका है, इसके दोनों सिरों पर धातुओं के दो हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, धातुओं की दो छड़ें हमने यहाँ पर लगा रखी हैं, और इन धातुओं की छड़ों को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाह्य ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा हुआ है, यानी मैंने इनके सिरों पर एक विद्युत विभव लगाया हुआ है, और यह आरोपित विद्युत विभव का मान लगभग 10,000 वोल्ट होता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, कांच की बनी हुई एक बंद नलिका ली। कांच की बनी हुई बंद नलिका में हमने पहले ही धातु की बनी हुई दो प्लेट्स लगा रखी थी, और धातु की बनी हुई इन दो प्लेटों पर हमने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा है। अब इस वोल्टेज का जो नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड या मेटल प्लेट को हमने नाम दे दिया कैथोड, जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड हो गई, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो जिस इलेक्ट्रोड या मेटल प्लेट से जुड़ा हुआ है उसको हमने नाम दे दिया एनोड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें हमें निर्वात क्रिएट करना है, यानी इसमें से सारी हवा को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो जितना मैक्सिमम वैक्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं उतना अधिकतम वैक्यूम या निर्वात हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए यहाँ पर निर्वात पंप लगा दिया, सक्शन पंप। निर्वात पंप क्या करेगा, इस कांच की जो विसर्जन नली है उसमें से हवा को खींच कर बाहर निकालने का काम करेगा। इसके बाद में हमने जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड लिया हुआ है, इस एनोड के पीछे की तरफ यहाँ पर हमने एक प्रतिदीप्ति पदार्थ, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कि जिंक सल्फाइड है, उस प्रतिदीप्ति पदार्थ की
यहाँ पर कोटिंग की हुई है। अब ये प्रतिदीप्ति पदार्थ या फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है कि कोई ऐसा पदार्थ हम लोगों ने लिया जिस पदार्थ पर जब प्रकाश आकर टकराता है तो प्रकाश आकर टकराने पर यहाँ चमक उत्पन्न हो जाती है। प्रतिदीप्ति पदार्थ जिस पर कोई फोटोन आकर टकराएंगे तो फोटोनों के टकराने के कारण यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो जिंक सल्फाइड ZnS की हमने यहाँ पर कोटिंग कर दी। ZnS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल या प्रतिदीप्ति पदार्थ की तरह काम करेगा, तो ये हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर से देख लें, कांच की बनी हुई एक नलिका है। कांच की बनी हुई नलिका में हमने विसर्जन नलिका जिसको हम कह रहे हैं वैक्यूम पंप लगा करके निर्वात किया हुआ है। इनके दोनों सिरों पर हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। मेटल के एक इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव, दूसरे को पॉजिटिव यानी क्रमशः कैथोड और एनोड नाम दे दिया, जिन पर हमने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया। एनोड के पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से एक प्रतिदीप्ति पदार्थ है, तो जब भी कोई पार्टिकल आकर यहाँ पर टकराएगा, चार्ज पार्टिकल या फिर कोई फोटोन या कोई पार्टिकल आकर यहाँ पर टकराएगा या कोई किरण आकर यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर हमें चमक उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रयोग को सबसे पहले जे.जे. थॉम्सन ने किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। तो कांच की बनी हुई नलिका ली है, इसके सिरों पर धातुओं के बने हुए दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनको हमने क्रमशः कैथोड और एनोड नाम दिया। जब 10,000 वोल्ट या इससे कुछ अधिक विभव हम लगाते हैं तो विभव लगाने पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिया, कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसको हमने कैथोड नाम दिया है, इस कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और ये रेज इस धनावेशित इलेक्ट्रॉन के पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है उस पर जाकर टकराती हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये किरणें कैथोड से निकली? तो पहली बात तो इन किरणों की डायरेक्शन से अपन चेक कर सकते हैं कि सर कैथोड से निकली तभी ये किरणें जिंक सल्फाइड पर जाकर यहाँ पर आक्षेपित होंगी और इस पर यहाँ पर चमक उत्पन्न हमारी हो जाएगी, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, इनकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने एक व्हील, एक पहिया यहाँ पर हमने फिट कर दिया। अगर हम एक स्वतंत्र पहिया यहाँ पर फिट कर दें तो इस पहिए को देखने पर, देखो अब ये पहिया हमने यहाँ पर स्वतंत्र आधार पर पहिया रखा हुआ है, तो जब ये पार्टिकल्स आएंगे या जब ये रेज आएंगी तो इन रेज के प्रभाव से, चूँकि यह रेज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और इन छोटे छोटे कणों के प्रभाव से ये पहिया जो है वो लेफ्ट से राइट यानी कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में लगाता सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हमारी दो बातें क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर एक कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं और एनोड पर जाकर खत्म होती हैं, और पॉइंट नंबर दो कि कैथोड किरणें जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। चूंकि ये कणों से मिलकर बनी हुई हैं और जब ये कण इस व्हील से जाकर टकराते हैं, पहिए पर जाकर टकराते हैं, तो इनके प्रभाव में ये पहिया सर्कुलेट होने लग जाता है या पहिया गति करने लग जाता है। तो ये ऋणावेशित किरणें जो हैं वो कैथोड से मुक्त होती हैं और एनोड पर टकराती हैं, और एनोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी प्रतिदीप्ति पदार्थ हम लोगों ने लगाया हुआ है जिंक सल्फाइड, उस पर जाकर टकराएंगे। जैसे ही प्रतिदीप्ति पदार्थ पर टकराएंगे तो ऊर्जा वाले विकिरण जो जिंक सल्फाइड पर जाकर टकराएंगे इससे जिंक सल्फाइड पर चमक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और हम कहेंगे कि भाई कोई पार्टिकल यहाँ पर आकर टकराना शुरू हो चुका है। चलिए, पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।